देखो यही वो फौजी है। एक तो मेरे बैग से पर्स चुरा रहा था और जब मैंने इसको बोला तो मुझसे ही बदतमीजी कर रहा है। क्यों बे, फौजी अगर चोरी करता है और ऊपर से मेरी बहन को छेड़ता है? चोर, शर्म नहीं आती फौजियों के मेरा बैग चोरी करता है? मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपका बैग रख रहा था, चोरी नहीं कर रहा था। ओह ज्यादा झूठ मत बोल, मैंने खुद देखा है तुझे मेरा बैग चुराते हुए। मैडम मैं ना अपनी मर्यादा जानता हूँ, अगर आप लड़की ना होते ना तो हाथ मैं भी उठा सकता था आपके ऊपर। एक फौजी होकर चोरी करता है और ऊपर से मुझसे ही बहस कर रहा है, तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। मैडम आपने जो थप्पड़ मारा है ना, थप्पड़ मार के बिल्कुल ठीक नहीं करा। मेरे घर वालों ने कभी लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना नहीं सिखाया, ना हमारी कभी फौज ने सिखाया, और ऊपर से मैं ठहरा फौजी। मैडम आपको पता है आप जो रात को चैन से सो पाते हो वो किसकी वजह से सो पाते हो? हमारी वजह से, हम सेना वालों की वजह से। हम फौजी लोग दिन रात बॉर्डर पे लड़ते हैं ताकि आप जैसे लोग बाग आराम से सो सके, चैन की नींद ले सके, और आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम डाल दिया चोरी का। मैडम अगर मैंने जिस दिन चोरी कर दी ना, उस दिन मैं अपने आपको फौजी कराने लायक नहीं रहूंगा। ओ फौजी, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और मेरा भाई कौन है। जैसे आप हो ऐसे ही आपका भाई भी होगा। आप एक काम करो, अपने भाई को बुला ही लो। तू रुक, मैं अभी अपने भाई को बुलाती हूँ और उसके बाद वो जो तेरा हाल करेगा ना, तुझे तब पता लगेगा। हेलो भैया, आप कहाँ पर हो? भैया एक बारी घर के पीछे वाले रास्ते पे आना, यहाँ ना एक फौजी है जो मुझसे बदतमीजी कर रहा है और ऊपर से मेरा बैग चुरा रहा था। हाँ भैया, आप जल्दी से आओ और इसको ऐसा सबक सिखाओ, कम से कम 10-15 दिन के लिए तो इसको जेल में डलवाना। ठीक है भैया। अब तू देख, मेरा भाई आएगा ना और तुझे तेरी औकात बताएगा, तब तुझे पता लगेगा तूने किससे पंगा लिया है। हाँ मैडम बुला लो, आपको तो देख लिया, आपके भाई को भी देख लूंगा। और मैडम आपको पता है एक फौजी अपने जीवन काल के अंदर कितना सेटिस्फाई करता है? और आपको पता है 5 साल हो गए अपने घर वालों को देखा भी नहीं है, और ये भी नहीं पता कि कौन सी गोली पे मेरा नाम लिखा होगा। अच्छा तो अब मेरा भाई आ रहा है तो तू मुझसे सिंपथी लेना चाहता है? एक काम कर, जो मेरा भाई आएगा ना उसी को अपना ये बोरिंग भाषण सुनाइए। अमन क्या हुआ? भाई ये देखो यही वो फौजी है, एक तो मेरे बैग से पर्स चुरा रहा था और जब मैंने इसको बोला तो मुझसे ही बदतमीजी कर रहा है। क्यों बे, फौजी अगर चोरी करता है और ऊपर से मेरी बहन को छेड़ता है? तूने सिर्फ अपनी बहन की बात को सुनना जरूरी समझा, मेरी बात सुनी जरूरी नहीं समझी? अभी ओए, अभी भी झूठ बोल रहा है। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा मेरा बैग चुराते हुए, मेरे भाई के आगे भी झूठ बोल रहा है। अगर तुम दोनों भाई बहनों को मेरी बात पे अभी यकीन नहीं है ना, तो पीछे देखो CCTV कैमरा लगा हुआ है, वीडियो देख लेना, और इसके अंदर अभी सच का सच हो जाएगा, झूठ का झूठ हो जाएगा। आधे घंटे पहले की फुटेज चेक करो। अबे ओए फौजी, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो पुलिस वालों से कह के तेरा वो हाल करवाऊंगा ना, तू अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा। हेलो, हाँ पांडे, मेरे घर के पीछे वाली गली की CCTV फुटेज है ना, हाँ वो सेंड कर दे मेरे को, 30 मिनट पहले की कर, जल्दी दे। आ रही है बेटा फुटेज, देखो मैसेज आ गया, चेक करो। सॉरी सर, माफ कर दो मुझे, मैं तो भूल ही गया था आप एक फौजी हो, आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। पर सर आपको तो पता ही है लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है, तो सर मैं अपनी बहन को लेकर डर बैठा था, और सर इसी डर की वजह से मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, सर माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है, पर आपको इस चीज़ से ये तो समझ में आ गया होगा ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। और ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और एक बात और, आज के बाद पहले दोनों पक्षों की बात जान लेना, और तुम आज के बाद किसी की गिरवान मत पकड़ना, और मैडम आप आज के बाद किसी के ऊपर ऐसे हाथ मत उठाना। सॉरी सर, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको इतना कुछ बोल दिया और थप्पड़ तक मार दिया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैंने तुम दोनों को माफ़ किया।